Yes, we can begin. Good afternoon to everyone. My name is Apeksha Gupta. Topic is PWD Act 1995, Person with Disability Act 1995. 1948 में यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में यह कहा गया था कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल. दैट मीन जब बच्चा जन्म लेता है तो वह बराबर होता है, और यदि उसमें कोई डिसेबिलिटी आ गई है तब भी वह बराबर होगा. सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे दोनों का अधिकार बराबर होना चाहिए. समाज में दिव्यांग जन अधिनियम से पहले समस्या थी कि कोई भी दिव्यांग को सपोर्ट नहीं करता था और ना ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता था. इसलिए भारत सरकार के द्वारा दिव्यांग जन अधिनियम 1995 आया. दिव्यांग जन अधिनियम भारत की संसद द्वारा 12 दिसंबर 1995 को पारित हुआ तथा 7 फरवरी 1996 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया. इसकी थीम थी दिव्यांगों के साथ समान अवसर, सुरक्षा का अधिकार और संपूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995. वास्तव में ये नागरिक अक्षम या दिव्यांग नहीं है, परंतु इनकी आवश्यकताएं व योग्यताएं विशिष्ट हैं. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995. पीडब्ल्यूडी एक्ट के कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव थे जिससे दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिल सके. इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले सर्वेक्षण तथा जांच के द्वारा दिव्यांग का पता लगाना, रोकथाम करना, अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण करना, चिकित्सीय देखभाल, प्रशिक्षण, रोजगार तथा दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को स्पष्ट करना. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि दिव्यांग व्यक्ति को कोई समस्या ना हो, इसके लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाना. थर्ड ऑब्जेक्टिव है दिव्यांग व्यक्तियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण की रोकथाम करना, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों का विकास हो सके और उनमें किसी भी प्रकार की हीन भावना ना आए. फोर्थ ऑब्जेक्टिव है दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ा जाए, जिससे उनकी समाज में पूर्ण भागीदारी हो और दिव्यांग व्यक्ति राष्ट्र निर्माण, विकास व समृद्धि में सहायक हो. नाउ आई इनवाइट दीपिका टू टेल फर्दर स्लाइड. Thank you, Apeksha. In this slide, I will explain about disability according to PWD Act 1995. अक्षमता का तात्पर्य 40% या उससे अधिक की अक्षमता है जो किसी चिकित्सा प्राधिकरण के द्वारा प्रमाणित किया गया हो. दिव्यांग जन अधिनियम 1995 में 7 प्रकार की अक्षमताओं का समावेश है जो निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, ब्लाइंडनेस, दृष्टिहीनता. इसके अंतर्गत निम्न अवस्था से ग्रसित व्यक्ति आते हैं, जैसे दृष्टि का पूर्ण अभाव या सर्वाधिक संभव सुधार के बाद भी दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 या 20/200 श्रेणी से कम हो, या दृष्टि क्षेत्र सीमित हो एवं 20 डिग्री या उससे कम का कोण बनाती हो. नंबर सेकेंड, लो विजन, दृष्टि दोष. इसका तात्पर्य ऐसी अवस्था से है जिसमें उपचार के बाद भी दृष्टि क्षमता में ह्रास हो परंतु व्यक्ति समुचित सहायक उपकरण की मदद से किसी कार्य को कर सकता हो. नंबर थर्ड, लेप्रोसी क्योर्ड, कुष्ठ रोग मुक्त. इसके अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए हों किंतु उनके हाथों या पैरों में संवेदना की कमी हो या उनके पलकों में संवेदना की कमी हो, स्पष्ट विरूपता या आंशिक निष्क्रियता से ग्रसित हो लेकिन उनके हाथों या पैरों में पर्याप्त गतिशीलता हो जिससे वह आर्थिक क्रियाकलाप कर सकते हों. हेयरिंग इंपेयरमेंट, श्रवण बाधिता. इसके अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जिनकी श्रवण क्षमता 60 डेसिबल से अधिक हो, अर्थात वे 60 डेसिबल से कम की ध्वनि नहीं सुन सकते हो. नंबर फिफ्थ, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, चलन अक्षमता. यह क्षमता सामान्य तौर पर हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित अक्षमता है. इसमें व्यक्ति को चलने संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है. नंबर सिक्स, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता. इसका तात्पर्य मानसिक वृद्धि एवं विकास की गति की न्यूनता से है. मानसिक मंदता बालक बच्चों में बुद्धि लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है. नंबर सेवन, मेंटल इलनेस, मानसिक रोग.
यह मानसिक रोग का एक तरह का यह मानसिक रोग है। इसमें व्यक्ति की मनोदशा, सोच, व्यवहार इत्यादि प्रभावित होती है। इस बीमारी में व्यक्ति में अक्सर चिंता, तनाव, किसी वस्तु की लत या पागलपन हो जाता है। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। दिव्यांगजन अधिनियम 1995 के मुख्य प्रोविजन इस प्रकार है। फर्स्ट, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज। दिव्यांगता का शीघ्र पता लगाना एवं निवारण। दिव्यांगता के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, जांच व अनुसंधान का आयोजन किए जाएं। दिव्यांगता के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार के मापदंडों का प्रयोग किए जाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस काम में सहायता के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। जागरूकता अभियान का प्रारंभ व सूचना का प्रसार किया जाए। माँ एवं बच्चों की प्रसव पूर्ण, प्रसव कालीन एवं प्रसवोत्तर देखभाल के लिए उचित उपाय किए जाए। नंबर सेकेंड, एजुकेशन, शिक्षा। दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। दिव्यांग बच्चों को उचित परिवहन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। पाठ्यक्रम में संशोधन एवं परीक्षा प्रणाली में उपयुक्त बदलाव किए जाएं। मुफ्त किताबें, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म एवं अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान किए जाएं। निरौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किए जाए। दिव्यांग बच्चों को विशेष विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। नंबर थर्ड, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। दिव्यांग लोगों के लिए सरकारी सीटों में 3% आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। सरकारी शैक्षिक संस्थानों एवं सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में दिव्यांगों के लिए 3% सीटों का आरक्षण होना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांग होने पर रोजगार से बर्खास्त या पदावनत नहीं किया जा सकता है, यद्यपि उसे उसी वेतन व शर्त के साथ दूसरी पदवी पर भेजा जा सकता है। दिव्यांगता की वजह से किसी को भी तरक्की से वंचित नहीं किया जा सकता। नंबर फोर्थ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव। दिव्यांग व्यक्तियों को रेल के डिब्बे, सार्वजनिक भवनों, बसों, जहाजों तथा हवाई जहाजों में आसान पहुंच प्रदान की जाए। सार्वजनिक स्थानों, प्रतीक्षालयों में व्हीलचेयर की सुविधा सुलभ होनी चाहिए। लिफ्ट में ब्रेल व ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों को रैंप सुविधा के साथ बाधा मुक्त बनाया जाना चाहिए। नंबर फिफ्थ, रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, अनुसंधान व मानव शक्ति विकास। इसके संदर्भ में निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान को आयोजित व उन्नत किया जाए। वे क्षेत्र हैं दिव्यांगता का निवारण, सहायक उपकरणों का विकास, कार्य परिचय, कार्यालय व कारखानों का ऑन साइट संशोधन। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों व गैर सरकारी अनुसंधान संस्थानों को विशेष शिक्षा, पुनर्वास एवं जनशक्ति के विकास के संदर्भ में अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर सिक्स, एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही। दिव्यांग लोगों के लिए सहायक उपकरणों व सामग्री आसानी से उपलब्ध कराया जाए। दिव्यांग व्यक्तियों को घर, व्यवसाय, विशेष मनोरंजन केंद्र, विशेष विद्यालय, अनुसंधान विद्यालय, फैक्ट्री या कारखानों के लिए भूमि का आवंटन रियायत दर पर किए जाएं। नंबर सेवन, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्त सहायता प्रदान किया जाए। दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को बीमा कवरेज का लाभ दिया जाए। दिव्यांग व्यक्ति जो किसी विशेष रोजगार कार्यालय में एक वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हैं तथा वे अच्छा व्यवसाय प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए। नंबर एट, ग्रेवियंस रिड्रेसल, शिकायत निवारण। दिव्यांगजन अधिनियम में निर्धारित अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति अपना आवेदन केंद्र के पीडब्ल्यूडी मुख्य आयुक्त को एवं राज्य के पीडब्ल्यूडी आयुक्त को स्थानांतरित कर सकते हैं। नाउ आई इनवाइट धीरेन्द्र फॉर फर्दर प्रेजेंटेशन। थैंक यू दीप्या। रिजर्वेशन फॉर जॉब। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत विकलांग व्यक्तियों को कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं जो निम्नोक्त हैं। फर्स्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी रोजगार और शिक्षण संस्थानों में 3% पदों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। सेकेंड पॉइंट, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत अंधापन, श्रवण बाधित तथा लोकोमोटर की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को 3% में से 1% पदों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। थर्ड पॉइंट, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत कहा गया, यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है तो
तो उसके वेतनमान में कोई भी कमी नहीं की जा सकती है, बल्कि यदि वह उस रैंक के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उस कर्मचारी को उसी वेतनमान या सेवा के अंदर ही कोई अन्य पद प्रदान किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत यह कहा गया कि विकलांगता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति को नकारा नहीं जा सकता है। नाउ आई इनवाइट भावना फॉर फर्दर स्लाइड। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत डिसेबल पर्संस के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना के माध्यम से अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। संविधान के भाग 3 में व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास हेतु सभी भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से कुछ अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य समान अपराध हेतु समान दंड का प्रावधान है, अर्थात कानून सभी के लिए समान होंगे। बड़े पद या छोटे पद के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। विधियों का समान संरक्षण का तात्पर्य समानों में समानता, अर्थात एक ही प्रकार की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग या भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(1), राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2), एक नागरिक दूसरे नागरिकों के साथ सार्वजनिक समागम के स्थानों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(4), राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए वर्गों को विशेष सुविधाएं दे सकता है, जैसे आरक्षण की सुविधाएं। अनुच्छेद 15(1), प्रत्येक नागरिक को सरकारी पदों पर नियुक्ति पाने में अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(2), यह सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों SC ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 17, इसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। इसका प्रत्येक रूप में आचरण निषिद्ध होगा और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसी के तहत अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 लाया गया। अनुच्छेद 19(1), प्रत्येक नागरिक को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम पर नहीं लगाया जाएगा। इसे क्रियान्वित करने हेतु बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम 1978 लाया गया। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 38(1), राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। 39(डी), सभी कामगारों को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39(का), राज्य का विधिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करे कि सभी को समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता जैसे सरकारी वकील प्राप्त हों, अर्थात किसी को आर्थिक अयोग्यता के कारण इस लाभ से वंचित ना होना पड़े। अनुच्छेद 45(ए), 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसे आंगनवाड़ी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर या ECCE मॉडल को अपनाया जाएगा। अनुच्छेद 51 का में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक को यह कर्तव्य होगा कि चाहे उन्हें जैसी भी स्थिति हो अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य उपलब्ध कराएं। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का प्रभाव। यह अधिनियम निःशक्त व्यक्तियों के लिए भेदभाव रहित सामाजिक वातावरण तैयार करता है, जिसके तहत
प्रत्येक अक्षम विद्यार्थी को 18 वर्ष की आयु तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हुआ। साथ ही शिक्षण संस्थाओं एवं सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम निःशक्त व्यक्तियों की निःशक्तता को कम करने में सहायक सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे सार्वजनिक भवन, शौचालय, रेल डिब्बों तक दिव्यांग जनों की पहुंच सुनिश्चित करता है। निःशक्त व्यक्तियों को भौतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने तथा उनके जीवन को सरल बनाने वाली युक्तियों एवं उपकरणों के डिजाइन तथा विकास हेतु अनुसंधान पर बल देता है। यह अधिनियम निःशक्त व्यक्तियों के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इसके तहत उन्हें बहुत से अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 सभी व्यक्तियों तक मानव अधिकारों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु एक प्रयास है। डिसेबल पर्सन की असंतोषजनक स्थिति केवल सरकार और उसकी नीतियों को दोषपूर्ण बताने से अधिक आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज, एनजीओ और व्यक्तिगत सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए। थैंक यू।